गाइज़ गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज सूरज गुरगांव ड्रीम ब्लॉक्स। ए ब्लॉक पालम विहार में 270 स्क्वायर प्लॉट साइज है और इसमें चारों फ्लोर मिल जाएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। और स्टील प्लस फोर बना हुआ है। ये साउथ फेसिंग प्रॉपर्टी है, जो फ्लैट में एंट्री करते हो आप वो नॉर्थ फेसिंग है। 1650 स्क्वायर फीट कार्पेट एरिया है और ये इसका हो गया रैम्प एरिया, 12 मीटर रोड पर है। और ये इसका हो गया फ्रंट एलिवेशन, जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है। इसमें टॉप भी मिल जाएगा, फोर्थ, थर्ड, सेकेंड एंड फर्स्ट चारों फ्लोर मिल जाएगा। ये इसका हो गया रैम्प एरिया। मूविंग ऑन टू दिस स्टिल्ट पार्किंग, और ये हो गया इसका पार्किंग एरिया। फ्लोरिंग की बात करूँ तो सारे में काम करा गया है मार्बल का, जो कि आप देख पा रहे हो। और यहाँ पे जो है गेट भी दिया हुआ है, जो कि आप देख सकते हो। और यहाँ जितने वॉल हैं सारे में काम करा गया है टाइल्स का, जो कि आप देख पा रहे होगे कितने वॉल सा। और इस तरफ पूरी मार्बल लगी हुई नीचे की तरफ, और फ्लोरिंग भी पूरी मार्बल है इसमें। ये पार्किंग हो गया, और यहाँ पे स्टील की गेट भी दी हुई है, जो कि आप देख पा रहे होगे। दिखा देता हूँ मैं पूरी आपको, ये देखिए स्टील की गेट दी हुई है और इसमें भी मार्बल लगा हुआ है फर्स्ट क्लास। और मूविंग ऑन टू द लिफ्ट लॉबी, ये देखिए स्टेयर केस है और यहाँ से इसकी रेलिंग भी दी हुई है। और टीकेई ब्रांड का ये लिफ्ट है, जो कि जाएगा छत तक। ये मूविंग ऑन टू द फ्लोर एरिया, और ये हो गया स्टेयर केस इसका लिफ्ट, टीकेई ब्रांड की आ रही टॉप तक, छत तक आएगी लिफ्ट। ये देख लीजिए आप, इसमें पूरा काम करा गया है मार्बल का, लैपटॉप तक आएगी। और ये स्टेयरकेस है, विंडो का प्रोविजन भी दिया हुआ है इसमें, और स्टील की गेट दी हुई है इसमें। ये देखिए आप, छत पे काम चल रहा है अभी, ये आप देख सकते हैं। सुप्रीम का सिंटेक्स भी दिया हुआ, लगा हुआ है यहाँ पे, पूरा छत है ये। और इसका बैक यहाँ पे रेलिंग आ जाएगी फर्स्ट क्लास। यहाँ से देखिए कितना ग्रीन लगेगा आपको, ये पूरा यहाँ पे रेलिंग आ जाएगा। और इसमें टाइल लग जाएगा छत पे पूरा, अभी इसमें ब्रिक लग रहा है। और ये देखिए, थाउजेंड ईटर का सिंटेक्स आएगा टॉप पे, माउंटी पे। और इस तरफ भी दिया हुआ स्पेस, मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ भी स्पेस दिया हुआ है। और यहाँ भी रेलिंग आ जाएगी फर्स्ट क्लास। ये देखिए रोड हो गया सामने का। मूविंग ऑन टू दी फ्लोर एरिया, गाइस हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज सूरज गुरगांव ड्रीम ब्लॉक। आज जो मैं आपको दिखाने वाली प्रॉपर्टी है बेसिकली पालम विहार ए ब्लॉक में 270 स्क्वायर प्लॉट साइज है और ये 3 BHK है। फ्लोरिंग की बात करूँ तो पूरा इटालियन है ये, और ये आपका नॉर्थ फेसिंग है। जो फ्लैट में एंट्री करते हुए वो साउथ फेसिंग है। अब लेआउट समझ लो क्या है, नहीं ये किचन, सामने किचन है, यहाँ डाइनिंग टेबल आ जाएगी, ये आपका ओपन है एरिया, यहाँ सिटिंग एरिया हो जाएगा, ये लिविंग एरिया है पूरा, किचन ड्राॅइंग कम डाइनिंग यहाँ आ जाएगा। और ये आपका ड्राॅइंग रूम हो गया, फर्स्ट बेडरूम अटैच वॉशरूम, एसी हॉल में दो आ जाएगी जो कि आप देख पा रहे होंगे, सेकंड बेडरूम अटैच वॉशरूम और पीछे की बालकनी, थर्ड बेडरूम अटैच वॉशरूम पीछे की बालकनी। और ये आपका नॉर्थ हो गया, 1600 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया है। लेट्स स्टार्ट द ब्यूटी फ्रॉम दी ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया। फ्लोरिंग की बात करूँ फ्रेंड्स तो पूरा काम करा गया है इसमें, इटालियन फ्लोरिंग का मार्बल लगी हुई है, फॉल सीलिंग का भी काम हुआ हुआ है, UPVC के इसमें साइड डोर्स आ रहे हैं, AC का प्रोविजन भी दिया हुआ है। और यहाँ TV पैनल आ जाएगा, इस तरफ आप देख लीजिए फर्स्ट क्लास, यहाँ भी इन्होंने स्टोरेज के लिए बनाया हुआ है, इसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ मंदिर बन जाएगी ये फर्स्ट क्लास, और ये आपका किचन हो गया। लिफ्ट जो है इसमें TKEI ब्रांड की आएगी, वैसे सारा पार्ट्स यहाँ रखा हुआ है। ये किचन आ गया, और इस तरफ जो है फ्रेंड्स आपका यहाँ पे हॉब और चिमनी आएगी। इस तरफ जो है ये आपका वेट एरिया, सिंक आएगा इधर, और UPVC की डोर भी लगी हुई है। फ्लोरिंग की बात करूँ तो पूरा काम इसमें करा गया है इटालियन फ्लोरिंग का। ये हो गया किचन, और यहाँ पे
डाइनिंग टेबल भी आ जाएगा इसके सामने ही, जो कि आप देख पा रहे होगे। और ये इसका जो है फ्रेंड्स, ये हो गया फ्लोरिंग। और फॉल सीलिंग मैंने बता ही दिया, इसका फॉल सीलिंग का काम इसमें करा गया है, ड्राइंग का डाइनिंग है। मूविंग ऑन टू दी बालकनी, 5 फुट बालकनी है ये, यहाँ रेलिंग आ जाएगी फर्स्ट क्लास। और ये आपका वेट एरिया है, यूपीवीसी का एक डोर, यहाँ साइड डोर से एक यहाँ भी डोर दिया हुआ है। और टाइल का काम पूरा किया गया है इसमें, जो कि आप देख पा रहे हो कि फर्स्ट क्लास है। और आप ये फर्स्ट बेडरूम से भी एक्सेस कर सकते हो, फ्रंट बालकनी, यहाँ डोर दी हुई है। मूविंग ऑन टू दी फर्स्ट बेडरूम, फर्स्ट बेडरूम की बात करूँ फ्रेंड्स, इसमें काम करा गया है, पूरा इटालियन फ्लोरिंग का पत्थर लगी हुई है। और फॉल सीलिंग का भी काम इसमें हुआ हुआ है फर्स्ट क्लास। यहाँ पे विंडो आ जाएगा, डोर यहाँ लगी, एसी का प्रोविजन यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे बेड लग जाएगी, यहाँ पे सोफा भी लगा सकते हो आप। और इससे अटैच ये वॉशरूम है, वॉशरूम की बात करूँ फ्रेंड्स, तो यहाँ पे इस तरफ जो शावर है, यहाँ कमोट आएगा और ये वॉश बेसिन आएगा इस तरफ। टाइल्स का काम पूरा किया गया है वॉशरूम में, जो कि आप देख सकते हो फर्स्ट क्लास ही है। और यहाँ पे इस तरफ जो कमोट आ जाएगी, और ये हो गया बाथरूम। और यहाँ आप देख लीजिए फर्स्ट क्लास रहेगा, यहाँ सोफा भी डाल सकते हो आप। और यहाँ पे ग्लास लग जाएगी, जो कि रोशनी के लिए अच्छा रहेगा। और ये आप देख सकते हो यहाँ डोर दिया हुआ, ये लॉक है, इसीलिए मैंने आपको ड्राइंग रूम से दिखा दिया है, यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो फ्रंट बालकनी का। और ये इसका हो गया ओपन एरिया ड्राइंग रूम डाइनिंग का। फॉल सीलिंग का भी काम हुआ हुआ है फर्स्ट क्लास। मूविंग ऑन टू दी सेकेंड बेडरूम, फ्लोरिंग की बात करूँ तो इसमें भी पूरा इटालियन काम किया गया है, पूरी पत्थर लगी हुई है फर्स्ट क्लास। फॉल सीलिंग का भी काम हुआ हुआ है। इस तरफ वार्डरोब आ जाएगा, बेड यहाँ आ जाएगा, डीप एंडलेस तरफ आ जाएगी। और यह वार्डरोब एक आपको वहाँ पे आएगा, एक वार्डरोब वॉकिंग क्लोजेट है, यहाँ भी वार्डरोब आ जाएगा, टाइल्स में लगी हुई है। और इससे अटैच वॉशरूम आ गया, ये शावर है, कमोट है और ये वॉश बेसिन है। फिटिंग्स की बात करूँ, सारे में जैगवार की फिटिंग्स आएंगे, टाइल्स का काम पूरा किया गया इसमें, जो कि आप देख पा रहे होंगे। और ये आप पीछे की बालकनी से साइड डोर्स में दिए हुए हैं, पीछे की बालकनी से एक्सेस कर सकते हो ये। आउटडोर के लिए यहाँ प्रोविजन दिया हुआ फर्स्ट क्लास। मूविंग ऑन टू दी थर्ड बेडरूम, थर्ड बेडरूम की बात करूँ फ्रेंड्स, तो इसमें भी फ्लोरिंग की बात करूँ तो पूरा काम करा गया है इसमें, टाइलिंग फ्लोरिंग का। और फॉल सीलिंग का भी काम हुआ हुआ है, साइड डोर्स आ गए, यहाँ पे वार्डरोब आ जाएगा, इससे अटैच ही वॉशरूम है। ये जो है शावर है इस तरफ, ये कमोट एरिया इधर आ गया, और इधर आपका सामने में यहाँ पे वॉश बेसिन आ जाएगा। फिटिंग्स जितने भी रहेंगे सारे जैगवार के फिटिंग्स रहेंगे। और ये भी पीछे की बालकनी से आप एक्सेस कर सकते हो। आउटडोर के लिए यहाँ प्रोविजन दिया हुआ है। अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, प्लीज चेक आउट दी डिस्क्रिप्शन फॉर प्राइस, और वहाँ मैं डाल दूंगा प्राइस क्या नहीं, वहाँ से चेकआउट भी कर लेना। और ये इसका लुक एंड फील है, फोर्ड का एक्सक्लूसिव है, नया बना हुआ है, काम चल ही रहा है, 2 महीने बाद इसका पोजीशन दे देगा। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, किसी बैंक से इसमें आपको लोन भी मिल जाएगा। ओके गाइस, बाय, टेक केयर।